चलें जी, माशाल्लाह भिंडी हो चुकी है तैयार। हाँ जी, आप देखें भिंडी की कलर भी माशाल्लाह अच्छा आ रहा है, है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा आ गया। अभी ये जो है ना ग्रोन हो गई है माशाल्लाह जी, इनका लूडन बन गया है। हाँ जी, अभी खाना स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी। कैसा है? बहुत अच्छा। मजे मजे का है। अब हम टमाटर ने खाएंगे। भिंडियां काट के झाड़ू लगाया जा रहा है जी, किचन की हो रही है सफाई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, चलते इसी दुआ नलवी लोग की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद आज ले आए हैं भिंडियाँ। भिंडियों की हो रही है कटाई। ना बुशरा, कैसी लगी? दुआ सलाम कर लो। खाओ। ओ ओ, गिर जाओगी, गिर जाओगी। नहीं गिरने, चक्कर आ जाएंगे। कैसी लगी भिंडियाँ? बहुत अच्छी है। काफी दिन बाद बना रही हो। हाँ जी। इसमें कोई ये चीजें निकल तो नहीं रही? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, साफ सुथरी है। हाँ जी, बिल्कुल वीआईपी। सही है, क्योंकि हाँ मौसम चेंज है ना। हाँ। मैंने कहा कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है? कुछ नहीं है, जरासीम जो होते हैं। नहीं, अभी साफ है। अच्छा अच्छा, सही है। चलो इनकी कटाई कर लो, फिर इनकी बुनाई कर लो इंशाल्लाह, फिर रोटी बना लो। ये क्या उठाया हुआ है भोलू? झुला रही है उसको। चेंज कर लिया कपड़े? चेंज कर लिया, गर्मी कर दिया इतना, बस हो गई है। फिर जो है ना तैयारी बना रहे थे जाने की, तो तैयारी तो हमारी नहीं बनी। अच्छा, तो इसलिए रख दिया। फिर क्या खुद बना के बैठा इधर। सही है। हाँ, अभी वो घर वाला सूट पहन लिया। वो पहन लिया है। ठीक है। दूसरा आपने भी सूट किधर किया? आपने वही पहना हुआ है जो सारा सुर्खी लगाई हुई है। आपने इनकी जो है ना तैयारी हमने नहीं कराई ना पहले। मैंने कहा जब जाएंगे इनकी तैयारी कराएंगे, तो इसलिए जो है ना वो जो सुबह नहाया था पहने थे वो पहन के खड़ी हुई है। हाँ, पहले तैयारी नहीं कराई। ये वाला पानी जो खड़ा है ना, ये वाला अभी भर के आया, ये वाली केन उतार के ले आओ, मैं पीता हूँ पानी। ऐसे नहीं उतरेगी, ऊपर उठाओ इसको, खड़ा निकलेगा। 5 किलो पानी है, इसके कैसे उठाएगा? नहीं उठाएगा इससे। वो उठा के आ गई सुमैया। ले आई है के। तुम्हारा पानी भी खत्म हो गया है। जिसम का पानी या पीने वाला पानी? पीने वाली खत्म हो गई है, जिसम का पानी भी खत्म है। तो आप ले लो, ये आपकी केन हो गई, ये हमारी हो गई। सुबह मैं इसमें ने पिया है। क्या क्या? थोड़ा थोड़ा सा गले में खराश है। अच्छा, ये नहीं पीना आपने? नहीं। चलो आप आ जाए, बच्चे ट्यूशन चले गए हैं। हाँ। वो तो शाम को आ जाएंगे फिर, या मैं ले आऊँ, अभी प्यास लगी है तो। शाम को ले आएंगे तो फिर मैं चार पाई पे जैसे बैठे ऐसे बैठी रहूँगी। सही है। चलो मैं वो फिल्टर वाला ले आता हूँ, ये तो पंप से भर के आया ना, इसलिए आपको पता है। मैं अभी ये खांसी ज्यादा करता है, खांसी भी करता है, पेट में पेन होता है, इसलिए मैं अभी आपको पता है सुबह से चीख रही थी, अभी सोई है। अच्छा। हाँ। मैं गया था दुकान पे तो इसके लिए ले आया हूँ दाल मूंगी और मसरी की। तो खाना आपकी दाल मूंगी मसरी और सरफ भी ले आया हूँ। घी का ना पूछे, 500 का किलो, 470 रुपए का देते थे परसों वाले दिन, तरसों वाले दिन 80 का दिया है, आज 500 का पूरा। 500? नहीं, दो दिन बाद लगता है 500 का। 600 दो दिन बाद जो है ना 600 देंगे। क्या पता 500 से ऊपर होता है या नीचे होता है। अब
हाँ, 100 रुपए का मिलता है। नहीं, 2 रुपए का मिलता है। 2 रुपए का? हाँ। अच्छा अच्छा, इसकी अपनी फैक्ट्री है ना नाने की। अभी तक भिंडिया नहीं काटी? नहीं, अभी ये काट गई है। हाँ। अच्छा, अभी ये कटाई हो रही है। अभी कटाई हो रही है। भिंडिया काट के झाड़ू लगाया जा रहा है जी। किचन की हो रही है सफाई। सुबह भी मोटर के साथ धोया था ना? हाँ, सुबह धोया था। अच्छा, अभी अंडे बनाए हैं? अभी अंडे बनाए हैं बच्चों ने। तुम्हारे साथ भी झाड़ लगा दे, साफ सुथरा करके फिर जाना, रेसिपी बनाएंगे। सही है। हाँ, माशाल्लाह, देगची चढ़ा दी। ये क्या बन रहा है? ये जो बच्चे लोग चीज लेके आए वो बना रहे हैं। पता नहीं क्या होता है। वो बोल रही थी लूडन। लूडन? हाँ, लूडन में ले रही हूँ लूडन। अच्छा, वो बना रही हूँ उनके लिए। पता नहीं देगची में लूटता है, देगची लूटती है, पता नहीं क्या होता है। ये खाया जाता है लूडन, इसको कहते हैं। ये बॉयल करना होता है, सवैये की तरह होता है। अच्छा, चारा करारा बनता है। सही है। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। आप कढ़ाई चढ़ा दिए। हाँ जी। अभी किलो घी का लेके आया, सारा डाल दिया। हाँ, सारा डाल दिया। चले, आज इसको फ्राई करना है भिंडियों को। हाँ। चलो जी, फ्राई करके फिर इसको। अभी नहीं बचते मेरे ख्याल में, जो घी का हाल कर दिया ना इन्होंने। और क्या करें, वो चीज तो बस आपको पता है। इसका जो है ना पानी और लेसरा जो है ज्यादा होता है, तो घी होता है उसमें फ्राई कर ले फिर जो वो अच्छी बन जाती है। चलो काम हो। हाँ, आपको फ्राई करो। हाँ, इसको फ्राई करते। खाने वाले तो आपको, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो अपनी दाल बनाऊंगी। मैं भी दाल खा सकता हूँ क्या? मुझे अड़ती है। तो खाओगे तो फिर दाल बनाएंगे, ये बच्चे लोग खाएंगे। हाँ। वो लूडन है, लूडन ये वाला पता। ये जबरदस्त चीज है, आपको नहीं पता। जो शहर वाले लोग है ना बनाते हैं। आप पहली बार देखा है ये क्या चीज है? हम कभी लिया भी नहीं। विलेज में जो है ना ये चीजें नहीं होती। ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में ये कैसे बनाया जाता है, इसका तरीका भी बताएंगे आपको। तो तरीका ही बताना है। हम तो पहली बार ये बच्चे लेके आए हैं, पता नहीं क्या होता है। वो सुमैया पूछ रहा रोज का जी, आप बुझा लूडन के पैसे तो हम लेना है 30 रुपए का मिलता है। अभी मैं दुकान से घी लेने गया था, उधर पहुँच गई, कह ये है ये है ये है, मैंने कहा चलो उठा लो। बना देती हूँ आपको, एक साइड में हो जाओ, मुझे बताओ कैसे बनता है। ये क्या बनाया हुआ है? इसमें घी में डालना है? नहीं, मैं तो पानी चढ़ाया यार। फिर डालू पानी में? चलो मैं पानी में डाल देती हूँ। हमें दाह नहीं आता। ये गर्म होएगा तो फिर डालेंगे, पता है ठंडे पानी में डालना होता है, गर्म में डालना। गर्म में, गर्म में। भूख लग गई है। आप लकड़ी उठा के ले आइयो। लकड़ी ले आओ, लकड़ी रोटी के लिए। रेसिपी तो मैं इधर बना रही हूँ, आप रोटी। उम्मे हबीबा का क्यों पहन रखा है कम्बल? रखो अपना पहनो दुपट्टा। इसका भुरका है, बाल है तेरे। पहले भुरका था फिर बाल बन गए। उम्मे हबीबा का इनसे सो गई है। तो मिसाले नहीं काटे? मिसाले भी काटती हूँ, अभी भिंडिया डाल दूँ फिर मिसाला काटूंगी। अच्छा, बाद में डालोगी? हाँ, ठीक है। फ्राई करनी है ना इसमें। चलो चलो जी, भिंडिया जो है ना डाल दिया है, अभी इनको करना है इसमें फ्राई। फ्राई करके फिर इसकी करेगी भुनाई। भुनाई होगी। अच्छा, ज्यादा चम्मच नहीं लगाना तो ये पप्पा बन जाएगी। अभी इस घी को लगाऊं, इसको मैक्स कर लूं। हां, मैक्स कर लो। नीचे वाली घी पी ले तो फिर ऊपर वाली खड़ी रहे। सही। बड़ा बात बताओ, आपने कहा पूरा 1 किलो डाल दिया है, नजर आता है घी आपको? बस भिंडिया नहा के फ्रेश फ्रेश हो गई है। हां, देखें, देखो ऐसे लगते हैं साफ 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 साफ। अभी इसको सेक लगेगा, इससे ज्यादा सब्ज होगी। अच्छा। हाँ, वो नहीं है जो मौसमी होती है, फिर उसको भुनाई जो करते हैं ना, वो पीला कलर कर जाती है, ये नहीं होगी। अच्छा, ऐसे रहेगी। सही है। हाँ, सब्ज। चले, सब्ज वाली भी अच्छी बनती है। हाँ जी। चलो इसको जो है ना इधर, इनका चूल्हा नहीं जला हुआ, पानी नहीं गर्म हो रहा, क्या वजह? वो जल रहा है, मैं ज्यादा फुल नहीं किया ना। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा जल रहा है। पानी मेरे ख्याल में गर्म होने वाला है।
सेक लेते हैं। अच्छा, इसको बॉईल करके फिर पानी में निकाल देंगे बहन। यार जैसे सेवैया वो बॉईल करती हो ना, जब मैं मूंद है वाला सोया बना के मूंद के, ये भी वैसे बनती है। चलो थोड़ा सा टमाटर काट लो, इनके लिए थोड़ी सी मिर्ची काट लो, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे बिल्कुल। ये तो अपने भिंडियों के लिए काट रहे हो या इनके लिए? नहीं नहीं, मैं उसके लिए काट रही हूं। छोटे टुकड़े हो बस, थोड़े से डाल के देना बस। वो मटर वगैरह तो नहीं है ना? नहीं। चलो पानी तो इनका बॉयल हो गया है, पानी हो गया तो फिर डाल देते हैं। हाँ, ये इसको डाल दिया है, पता नहीं इसको छुड़वाना होता है या ऐसे होता है। वो आप पे पानी बॉयल होगा ना तो फिर वो खोल जाएगी खुद ब खुद, खुद ब खुद। जैसे सेवियां के लच्छे डालते हैं तो फिर वो पानी लगता है, बॉयल होने लगते तो वो खोल जाती है। ये भी तो उस तरह है। हाँ जी देखो ये मेरे, ये क्या बन रहा है? ये भिंडियां। आज मैं भिंडियां नहीं खाऊंगी। ओ क्यों, क्या खाओगी आप? मैं चावल खाऊंगी। कहाँ है चावल? आप तो नहीं बताया ना आपने जो चावल बनाने हैं। आप तो ये लूडन ले रही हो, लूडन बन रहा है आपका। लूडन नहीं है, ये खेला है, खेला। अच्छा जी, ये आपकी सेवियां है। चलो यार इसमें झाग हो रही है, वो देखो भाग रही है। वो बॉयल हो रही है ना? वो खोल रही है आपस। ओ ओ ओ ओ खोल गई, खोल गया। हाँ एक एक हो जाएगी। हाँ एक एक हो रही है। ये वाला मिसाला लूडन के लिए बन गया है। हाँ जी। अच्छा आपको पता है वो देखो मोटी मोटी हो रही है, उबल गया है। उबल गई है अभी, मोटी मोटी हो रही है। अच्छा थोड़ी सी देर है, गल जाए। माशाल्लाह जी इनका लूडन बन गया है। हाँ जी। अभी खाना स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी। ओ, कैसा है? बहुत अच्छा। मजे मजे का है। अब जब हम लाके आए मिर्चा भी था, टमाटर भी था, तो हम ये आके खाएंगे। अच्छा, वो मिसाला इनका अपना होता है? मुझे तो पता नहीं था, मैंने मिर्चें कटवा के डाल दिए हैं। इतनी ना उठाओ ना, काट काट के उठाओ थोड़ी थोड़ी। देखो इतने बड़ी लहें बना ली है, वो देखो उस पे टाइम तोड़ देते ना पहले। सुमिया सुमिया ये क्या कर रही हो? वो देखो सुमिया धागे खा रही हो। अपनी दाल को छड़ाई कर रही हो? हाँ जी। अच्छा, हमारी भिंडियों को छड़ाई नहीं किया था? आपकी भिंडियों की थोड़ी छड़ाई की है, पहले इसको जो है ना नहलाया है। अच्छा। फिर इसको सुखाया है। अच्छा। फिर इसको काटा है 2 घंटे। अच्छा। काट के अभी जो है ना फ्राई हो रही है। ये थोड़ी मेहनत की है? बहुत की है। तो फिर दाल में से कंकड़ियां निकाल ली है। चले जी, दाल को जो ना साफ करके देगड़ी में डाल दिया है। हाँ। ये बॉयल करके इनकी भुनाई करेगी? नहीं। हाँ। इसको घोटना लगाएगी। ठीक है, आज मंदने वाली? हाँ। मैं ऐसे बनाती हूँ मंदने वाली। सही है जी, क्योंकि वो अच्छी होती है ना। ज्यादा बना लेना, अबू जान को भी डाल देना। तो सारी में डाल दिया जो लेके आए थे, वो 50 रुपए की थी, बस मैं डाल दी है। तो खा सकून से। सकून से। अभी सारी मिर्ची डाल दिया बस। सही है। वो काली मिर्ची रखी है? काली भी रखी है। वो भी दाल में मजा करती है। ये भी है। वो भी डाल दो। अब देखो भिंडी को कैसे बन गई है। आज तो भिंडी पूरी पूरी नजर आती है।
कढ़ाई का ये फायदा होता है। अच्छा, पूरी पूरी भिंडी बनती है? पूरी बनती है। ये बन गई है, ज़्यादा देर है? अभी देर है थोड़ी सी। सही। हाँ, अभी ये ग्रोन होगी, बाद में इसको जो है ना उतारेंगे, फिर मिसाले ग्रोन करेंगे। हाँ जी, मिसाले ग्रोन करके फिर ये जो है मैश करके उतार देंगे, ये बन जाएगी रेसिपी हमारी। प्याज तो डाल दो, प्याज गलने गलेंगे नहीं, वो मिसाले जो ग्रोन करेंगे उसमें डालेंगे ना। ये भिंडी बाद में डालो, ये निकाल लोगे? हाँ जी। आज और तरीका बनाया है? और तरीका बनाया है। आपको पता है ये सब चीज मैश करके बनाते हैं, इसलिए जो है ना वो पप्पा बन जाती है। अच्छा, सही नहीं बनती। हाँ जी। चलें जी, माशाल्लाह भिंडी हो चुकी है तैयार। हाँ जी। अब देखें भिंडी की कलर भी माशाल्लाह अच्छा आ रहा है ना। हाँ जी, बहुत अच्छा आ गया। अभी ये जो है ना ग्राउंड हो गई है, इसको काटते हैं, फिर जो है ना मिसाले ग्राउंड करते हैं। हाँ जी, बच्चे लोग भी ट्यूशन पढ़ के आ चुके हैं। माशाल्लाह, आप जो है ना डेगरी में बिरोन करोगी? अच्छा, चलो सही है, मिसाले बिरोन करो। माशाल्लाह जी, मिसाले ग्राउंड हो चुके हैं, अभी ना इसमें प्याज ऐड हो रहे हैं। हाँ जी, मिसाले हमारे माशाल्लाह को मैंने ऐड कर दिया, मैंने अभी इसको अच्छे तरीके से ग्राउंड करते हैं। ग्राउंड करने के बाद इंशाल्लाह हम भिंडी में ऐड करेंगे। ये दाल का क्या हाल हुआ है? दाल कहाँ तक पहुँची? अभी ये बॉयल होने वाली, बस थोड़ी सी देर है। बॉयल हो गए, पानी तो खत्म हो गया है। ये काफी पानी है। अच्छा, इस पानी में बनाओगे? इस पानी में बनाओगे। घोट में लगाओगे? हाँ, ऐसे चम्मच लगाओगे वो बन जाएगा। हाँ जी, घोट में है भी नहीं, अभी लेना है, वो सब आ गया ना सब्जियों की। पिछले साल भी लिया था? पिछले साल लिया था, वो एक दो बार हम रेसिपी को लगाए तो खत्म हो गया, वो टूट गया था। हाँ, वो अच्छे वाला नहीं था, वो जैसे सिन्नी काठी होती है ना, तो वैसे था, बस उसको धूप लगी है और आग का सेक लगा है, वो जो है ना खत्म हो गया। मिसाले जो है ना बिरोन कर लिया है इंसानों ने, अभी जो है ना भिंडियों में ऐड कर रहे हैं। वाह जी वाह, मिसाले इसमें ऐड करके फिर मिक्स करोगे? चले माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो तरीका ईजाद किया आपने, ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। ऐसे तो बनाया भी पहली बार है। अच्छा, पहले कभी नहीं किया। ऐसे ना तो भिंडी कचरा कचरा हो जाता है। असल में ये बात है, क्योंकि ये मौसम जो है ना, इनकी कुछ खत्म होने वाली थी भिंडी की, भिंडी की। तो आज जो है ना मैंने सोचा इसको मिल तरीके से बनाएं, क्योंकि इसकी जो है ना पानी वगैरह लेस जो है ना ज्यादा हो जाती है, जब इनकी लेस सुखाएं तो ऐसे बनाएं ना, वो तो खुद पप्पा बन जाएगी, और ना ही देगची रहेगी, ना ही पतीला रहेगा, ना भिंडी बचेगी, वो खुद चिपक जाएगी। इसलिए जो मैंने कहा इसको जो है ना पहले ब्राउन करते हैं, ब्राउन करने के बाद जो है ना फिर मिसाले ब्राउन करके ऐड करेंगे, वो अच्छी भी बन जाती है रेसिपी और खाने का भी मजा आता है। अच्छी रेसिपी खाने का मजा आएगा इंशाल्लाह। अभी दूध लेने का टाइम होने वाला है। हाँ जी, तो मैं दूध ले आऊँ, क्योंकि वो काल वाला नुक्ता जो क्या किया रात में खाया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज भी दूध के साथ अबू जान को देना है, हमने भी खाना है, कुछ आज फर्क है माशाल्लाह, है ना, फर्क महसूस होता है ना? हाँ जी, लगता है फर्क माशाल्लाह। रोटी बन गई है बाहर? बन गई है, हाजरा बना रही है, अभी रेसिपी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। इसको थोड़ी देर के लिए लगाते हैं दम, ताकि
धनिया जो है मैंने ऐड किया है, इसकी खुशबू अच्छी खासी आ जाए। तो इसको जो है ना दाम लगा के फैला दिया, फिर डालते हैं दाल में। दाल भी रेडी कर ले। हाँ जी, दाल भी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है, दोनों रेसिपी रेडी हो चुकी है। दाल पानी वाली बनाई है, ये थोड़ी सी बॉयल होने वाली है ना अभी। अच्छा, गाढ़ी हो जाएगी जी। धनिया किया ना तो थोड़ी देर के लिए इसकी आग जा रही है नीचे, तो धनिया की खुशबू भी अच्छी बन जाएगी और इसका पानी भी थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर ये मेरा अच्छी बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह जी, दूध लेने के बाद आया तो खाना रेडी था, भिंडियाँ देखें और रोटी भी आ चुकी है माशाल्लाह। तो अभी जो है ना यस बहन भाई ने खाना खाना हुआ हमारे साथ आके खा सकता है, बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद, साहब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।